सभी सुने ऐसा बंधन जिसमें एक आत्मिक चिंतन है, आत्मिक भाव है। भक्त भगवान के दरबार में जाता है, जब पहुंचा तो मंदिर के गेट पे एक घंटा लटका है, भक्त घंटा बजाता है। भक्त कहता प्रभु प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है, नथिंग एवरीथिंग, लेकिन मैं तेरे दरबार आ गया। वंदना से बड़ा वरदान नहीं होता है, वंदना से बड़ा वरदान होता है, जय हो, जय हो, और भक्त से बड़ा वो भगवान नहीं
होता है। सजे बड़े प्रेम से मिले हैं, कि बड़े प्रेम से मिले हैं, बड़े प्रेम से मिले हैं भगवान एक दिन, सबरी के घर पे खा गए बन मेहमान एक दिन। ऐ परमात्मा, तेरे दरबार में आया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, घंटा दिखाई पड़ा, घंटे के पास पहुंचा, पहुंच गया घंटे के पास, और जैसे ही घंटा बजाया तो मेरी आत्मा ने कहा, क्या कहा, कि मंदिर कानपुर, मोबाइल नंबर है 99 19 57 25 56। पूजा करूं तुम्हारी, भाव देखिए, आखिर भक्त कहता क्या है, क्या कह रहा है। मंदिर के अंदर गया तो प्रभु सबसे पहले मिले मुझे प्रभु के पांव, चरण पांव पड़ा हूं, ओ Come on.
पड़ा हूँ, दर पे खड़ा हूँ, भाव पड़ा हूँ, दर पे खड़ा हूँ, यार कुछ तो मुँह से बोलो, कुछ तो जाके सेवा की बेवाला के एक आरती सजा के पूजा होता है। जरा ध्यान दे, आखिर भक्त के मन का भाव है क्या क्या है, क्या है भक्त कहने लगा, प्रभु प्रभु ये दुनिया वाले मुझे भिखारी कहते हैं। अरे मैं भिखारी तो हूँ, लेकिन भिखारी के सिवा और कुछ भी हूँ। मैं हूँ भिखारी, ओ बना के पूजा
तेरे दरबार आया हूँ, तेरे मंदिर में आया हूँ। क्यों? कष्ट हारो श्रोता बंधु है। हाँ, हाँ, वो विशेष रूप से ध्यान दे। बिल्कुल बिल्कुल, मोबाइल छोड़ दे। जो जवाबी कीर्तन की कमेटियां हैं, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक, क्या मतलब, आप लोग ध्यान दे। आखिर किशन दाजी कह क्या रहा? कष्ट हरो दुख दूर करो प्रभु आया शरण तिहारे, आया शरण तुम्हारे, आया शरण तुम्हारे। बीच भवन अपनी प्रार्थना सुना के करूं पूजा करूं तुम्हारी।